एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। भारत में भले ही बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी भारत गांव में ही बसता है। अफसोस यही है कि कोरोना की दूसरी लहर का वायरस भी गांव में बसने के ठिकाने तलाश रहा है। कोरोना की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीका, यानी कि चार पाए जाने वाले गाँव में चित हैं। यहाँ 90 करोड़ आबादी निवास करती है, वहां के हालात अगर इस कदर खराब हैं तो कैसे निपटेगा भारत कोरोना की दूसरी लहर से। पेश है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की ये रिपोर्ट। गांव गांव में कोहराम मचा है। 20 लोगों की मौत। नदी किनारे के गांवों में लाशें मिल रही हैं। गांवों के सरकारी दवाखाने खुद बीमार नजर आते हैं। झोला छाप डॉक्टरों की झोली फल फूल रही है। कोरोना की जांच के लिए कई किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा है। जांच भी हो गई तो इलाज खुद बेइलाज है। गांव में टीका अलबत्ता आता नहीं, आता है तो गांव वाले टीका लगाने से झिझकते हैं और कोई समझाने वाला भी नहीं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जिस राज्य का नाम लो वहां हाल बेहाल है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना के गांव में प्रसार की बात स्वीकारी है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। गांव में किसी का तरह का कोई सरकारी इलाज की व्यवस्था नहीं है। गांव बहुत बुरा हाल है गांव का। गांव में हुआ अभी तत्काल में 55 आदमी से मर गए। मैं तो जी प्रार्थना करूं जी सरकार से जी सभी को इलाज के लिए डॉक्टर भेजने चाहिए। बुखार, खांसी, जुकाम हो तो उसे कोरोना का लक्षण समझिए, जांच करवाइए, क्वारंटीन हो जाइए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन गांवों में कहानी दूसरी ही है, क्योंकि मजबूरी भी दूसरी ही है। गांवों में लोगों का कहना है कि बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम, खांसी तो मौसमी बीमारियां हैं। इसके लिए क्या मास्क पहनना और क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। झोला छाप डॉक्टरों ने कहीं ऐसा बता दिया है तो कहीं गांव वालों को डर लगता है कि कोरोना की जांच करवाई और कोरोना निकला तो पकड़कर शहर के किसी अस्पताल में डाल दिया जाएगा, जहां से लाश भी वापस नहीं आएगी। ऐसे में गांव वालों तक न तो सरकार पहुंची है और न ही अफसर। इलाज के नाम पे जीरो है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तो न कोई डॉक्टर रहता है, न देखने में कोई अथी आता है। हमारे गांव में 70-80-90 के करीब मृत्यु हो चुकी है। बहुत भयावह स्थिति है, कोई यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, न कोई छिड़काव हो रहा है, न मास्क वितरण हो रहा है। तत्काल में 55 आदमी से मर गया, बुखार से मरल, कोई ऑक्सीजन बिना मरल। परमात्मा से शांति मिले और मतलब हर जगह मतलब कि जन जन शांति हो जाए, बच जाए। लेकिन जांच के लिए जाएं तो जाएं कहां? हमारे यहां तो जिला अस्पताल के नीचे पूरा हेल्थ सिस्टम हांफने लगता है कोरोना के मरीज की तरह। देश में 750 के लगभग जिले हैं और 1000 के आसपास जिला अस्पताल। पिछले 10 सालों में जिलों का व्यापक विस्तार हुआ है और आबादी भी बड़ी है, लेकिन जिला अस्पताल वैसे के वैसे ही हैं। गांव में हर 30,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और पहाड़ी या आदिवासी इलाकों में हर 20,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है।
देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुल मिलाकर 25,000 के आसपास ही हैं। इसी तरह सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर करीब 1.5 लाख हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 5,000 ही हैं। यहां मौसमी बीमारी की लाल पीली गोली मिल जाती है या छोटी मोटी चोट लगने पर दवा पट्टी हो जाती है, इससे ज्यादा सुविधाएं कहीं नहीं मिलती। ऐसे में कोरोना का इलाज कैसे और किस तरह संभव है? ये प्रत्येक CHC में न्यूनतम 2-2 चेतक RT और आवश्यकता के अनुरूप ज्यादा संख्या में चेतक RT मोबाइल रहेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी जो मोहल्ले हैं, जो कॉलोनीज हैं, प्रत्येक घर तक ये पहुंचेंगी और साथ ही साथ वहां सर्विलांस की एक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। गांवों में कोरोना के फैलने की रफ्तार इस कदर तेज है कि राज्य सरकारों को डर सताने लगा है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना के तहत आने वाले 272 गरीब ग्रामीण बहुल जिलों में से 243 में करीब 39 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि पिछले साल कोरोना की पहली लहर में इन जिलों के 9 लाख लोग ही कोरोना के प्रभाव में आए थे। इसी तरह इन जिलों में कुल मिलाकर 5 मई तक 36,523 लोगों की मौत हुई, जो पिछली बार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि यूपी में पंचायत चुनाव के कारण गांव में कोरोना को फैलने का मौका मिला और वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 लाख गाँव में ट्रेसिंग का काम करवा रही है। राजस्थान में 1.25 करोड़ ग्रामीण घरों का डोर टू डोर सर्वे करवाया गया और 7 लाख लोगों में कोरोना जैसे लक्षण मिले। जानकारों का कहना है कि बहुत से राज्य गांवों में टेस्टिंग की दर को बढ़ाएंगे तो ही असली तस्वीर सामने आ पाएगी। ऐसा नहीं है कि गांवों में टीके नहीं लग रहे हैं, टीके लग रहे हैं, लेकिन कुछ जगह देखा गया है कि शहर के लोग आकर गाँव में गाँव वालों के हिस्से के टीके को लगवा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा में रोहतक जिले के एक गांव से खबर आई कि वहां के एक टीकाकरण केंद्र में दिल्ली से लोग आकर टीका लगवा कर चले गए। ऐसी ही खबर राजस्थान के बाड़मेर के एक गांव से आई, जहां सटे हुए जोधपुर जिले से लोग आए और टीका लगवा कर चले गए। कोरोना से जूझ रहे गाँव वालों का हक शहर वाले मार रहे हैं, ऐसा 18 से 45 आयु वर्ग में ज्यादा हो रहा है। इसके लिए सरकार ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। भारत सरकार का कहना है कि गांव के लोग कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे 3 लाख केंद्रों में से सिर्फ 50,000 ही काम कर रहे हैं। गांवों में मोबाइल के जरिए कोविन में रजिस्ट्रेशन में वैसे भी दिक्कत ज्यादा आती है, ऐसे में केंद्र बंद होने का खमियाजा गांव वाले उठा रहे हैं। उधर शहर के लोग नजदीक के केंद्र में रजिस्ट्रेशन का स्लॉट नहीं ले पाते तो आसपास के 60-70 किलोमीटर के इलाके में स्लॉट पक्का करवा लेते हैं। कोरोना का गांव में विस्तार का मतलब है गांव की अर्थव्यवस्था का चौपट होना, और गांव की अर्थव्यवस्था अगर चौपट होती है तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खास तौर से कोरोना के काल में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल कोरोना की जब पहली लहर आई थी और उससे जब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी तो उसे काफी हद तक गांव की अर्थव्यवस्था ने ही संभाला था। गांवों में कोरोना की दूसरी लहर का आना आर्थिक सेहत के लिए भी खतरे की घंटी है। पिछले वित्तीय वर्ष में देश की विकास दर -6.3% रही थी, लेकिन कृषि विकास दर 3% रही थी। कृषि उत्पादों का निर्यात 17% बढ़ा था, जबकि देश का कुल व्यापार 7% कम हुआ था। तब पूरी दुनिया में गेहूं, चावल, सोयाबीन, कपास, दालों के उत्पादन में कमी आई थी, जिसकी भरपाई भारत के किसानों ने काफी हद तक की थी। उस समय भारत सरकार ने भी गेहूं, धान, कपास, सरसों, सोयाबीन और दालों की MSP पर भारी मात्रा में खरीद की थी, मनरेगा में काम ज्यादा शुरू किए थे और किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए गए थे। जानकारों का कहना है कि इस बार गाँवों में कोरोना के कारण मनरेगा के काम प्रभावित हुए हैं। खरीफ की बुआई भी जून से शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर में ही फसलें बाजार में आएंगी, यानी तब तक सरकारी खरीद भी नहीं हो सकेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की एक किस्त 9.5 करोड़ किसानों के खाते में डाली है, जो 20,000 करोड़ रुपए की बैठती है।
अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार को पिछली बार की तरह महिलाओं के जनधन खातों में हर महीने 500 रुपए डालने चाहिए। इसके अलावा JAM यानी जन धन आधार और मोबाइल का इस्तेमाल कर किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे पैसे डालना चाहिए। ऐसा होने पर खरीफ की बुआई के लिए किसानों के पास बीज खाद आदि खरीदने का पैसा आएगा तो अच्छे मानसून का फायदा उठा सकेंगे। फसल अच्छी और भरपूर हुई तो इसका लाभ अंततः पूरे देश को ही मिलेगा। दरअसल दिक्कत यह है कि किसान सिर्फ एक वोट बैंक है और गांव सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद किए जाते हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने साफ इशारा किया है कि इस सोच में भारी बदलाव की जरूरत है। विजय विद्रोही, ABP न्यूज, जयपुर। जुलाई तक देश को करीब 51.5 करोड़ टीके मिल जाएंगे और दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन मिल जाएगी, ये दावा किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सवाल ये कि जिस रफ्तार से फिलहाल देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, ये जो टारगेट दिया गया है, इसका आधार क्या है? इस गणित को समझाने की कोशिश हम करते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर कहर बनकर टूटी है। रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों मौतों के सामने एकमात्र सहारा वैक्सीन ही है। देश में हर किसी का सवाल यही है कि वैक्सीन मिलेगी कब और कैसे मिलेगी। दूसरी लहर के दौरान सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की आलोचनाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दावा किया कि भारत में 31 जुलाई तक टीकों की करीब 51.5 करोड़ खुराकें दी जा चुकी होंगी। देश को जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध होनी है, कुछ प्रोक्योर हो चुकी है, कुछ के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट की पाइपलाइन में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस प्राइवेट अस्पतालों का शेयर हो, ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज़ हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज़ की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। ध्यान रहे कि इन 51.5 करोड़ डोज जिनकी बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने की, उनमें से करीब 18 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। दावा ये भी है कि अगस्त से लेकर दिसंबर के अंत तक 8 अलग अलग कोरोना टीकों की 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, जाइडस कैडिला की 5 करोड़ डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नोवावैक्स की 20 करोड़ डोज, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, जेनोवा की 6 करोड़ डोज और स्पुटनिक 5 वैक्सीन की 15.6 करोड़ डोज, यानी कुल वैक्सीन डोजेज हो गई 216 करोड़। यानी अगस्त से दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ डोजेज होंगी। जाहिर है ये देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन से कहीं ज्यादा होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाए लेकिन उस रफ्तार से देश के हर नागरिक तक ना पहुंच पाए,
कैसे हासिल होगा दिसंबर तक देश का वैक्सीनेशन का लक्ष्य? भारत का लक्ष्य है साल के अंत यानी दिसंबर तक देश के वयस्कों को टीका देने का। भारत की वयस्क आबादी है 94 करोड़, दो डोज के हिसाब से 188 करोड़ डोज की जरूरत है। अब तक दे दी गई हैं तकरीबन 18 करोड़ डोजेस, तो कितनी डोजेस की अभी जरूरत है? करीब 170 करोड़ डोज। फिलहाल देश में वैक्सीनेशन की क्या रफ्तार है और क्या रफ्तार होनी चाहिए ये लक्ष्य हासिल करने के लिए, एक नजर डालते हैं। साल 2021 में बाकी हैं 230 दिन। इस गणित से अगर दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य पाना है तो करीब 74 लाख डोज प्रतिदिन लगानी होंगी। मई 2021 में अब तक टीकाकरण का औसत रहा है 18 लाख 29 हजार डोज प्रतिदिन। मई की औसत रफ्तार से अगर चले तो 170 करोड़ डोज देने में लग जाएंगे तकरीबन 2.5 साल। लेकिन अगर सरकार को दिसंबर तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पाना है तो टीकाकरण की रफ्तार 3 गुना बढ़ानी होगी, यानी 74 लाख डोज प्रतिदिन। ये रफ्तार नामुमकिन नहीं है। अगर एक बार पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध होंगे तो ये रफ्तार बढ़ाई जा सकती है और पूरे देश को दिसंबर के अंत तक का टीका देने का लक्ष्य पाकर कोरोना को हराया जा सकता है।